हेलो नमस्कार, ब्रजेंद्र कुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अब सड़कों पर आ गए। इनने बोला है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों से वादा किया था कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा, इनकी विभागीय परीक्षा लिया जाएगी, इनको अनुबंध 12 माह किया जाएगा, इनको हटाया नहीं जाएगा। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासे नाराज हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो वादा किया है उसे सरकार पूरा करे और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे, इनकी विभागीय परीक्षा लेकर उनको निकाला ना जाए, ऐसा भी आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। अतिथि शिक्षकों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो भोपाल में एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक। अभी सरकार को एक चेतावनी दी गई है कि अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए और अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 12 माह का किया जाए, अतिथि शिक्षकों को निकाला ना जाए स्कूलों से, यही मांग की जा रही अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। शिक्षकों का जमावड़ा लगा हुआ है, अतिथि शिक्षक स्थायी नियुक्ति की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों का धरना जारी है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि बनने से पहले किए थे उन्हें सरकार पूरा करे। और आपको बता दें आज है और इस मौके पर अगर शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़े तो ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। भोपाल के शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार से कहा कि जो वादे आपने किए थे उनको निभाई। बस एक ही मुद्दा है, नियमितीकरण की मांग हम लोगों की। लगा हम लोग काम कर रहे परंतु मुख्यमंत्री सरकार हमारी कोई बात नहीं मान रही, तो हम इस हेतु वचन पत्र में लिखा गया है कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, परंतु हम है हर वर्ष आश्वासन मिल रहा है, इस विगत महीनों से भी पद पर आए परंतु हमें मात्र आश्वासन दे कि हम आपको नियमित करें, परंतु नीति ऐसी कुछ बनाई नहीं जा रही हमारे प्रति। संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक सड़कों पर हैं, सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, और ये इनकी मांग है कि इनको रेगुलर की, और इस बात का वायदा चुनावी घोषणा पत्र में जिसे कहा गया था, और लोकेंद्र इन लोगों की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, आदेश जारी नहीं हुआ है, इसीलिए सरकार को अपना वायदा याद दिलाने के लिए सारे के सारे अतिथि शिक्षक फिलहाल धरना दिया जा रहा है, लेकिन ये चेतावनी धरना है। और इस धरने में ये भी कहा गया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र होगा। अगर भोपाल पहुंच जाते हैं सारे अतिथि शिक्षक तो अगला आंदोलन तीखा हो सकता है, उग्र हो सकता है, इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है। और क्योंकि जो शिक्षक हैं इनसे कोई बातचीत करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक टीचर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं और इनके जो नेता है वो स्कूली शिक्षा विभाग के अफसरों के संपर्क में है, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जिससे कि ये टीचर्स केवल याद दिलाने के लिए आए हैं कि अब कौन चाहिए ताकि अतिथि शिक्षक नियमित हो सके और उनके करियर को लेकर जो संकट आया हुआ है वो खत्म हो जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो याद दिलाया है आज शिक्षक।